Aspire International School, Baba Fried Campus. Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you are fine and you are safe and sound at your home. Level 7, I am your Ma'am Samia and our topic is Essay Courtesy. Courtesy means khushi khulaki. Firstly, I want to give you information about courtesy. Courtesy, khushi khulaki. बेटा जो हम लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं और कोई अपना गुस्सा उन्हें शो नहीं करते, उनका हुक्म मानते हैं, तो बेटा वो आता है हमारे पास courtesy में. Now we discuss this topic in detail. Essay courtesy. Courtesy, खुश इखलाकी. Courtesy is opposite to cruelty. Cruelty mean जुल्म. जो courtesy है खुश इखलाकी है और totally opposite है जुल्म के. As the cruelty is the greatest evil, जैसे कि एक जुल्म बहुत बड़ी बुराई है, evil mean बुराई. Courtesy is the greatest virtue. तो courtesy क्या है? एक अजीम नेकी है. It is the basis of all religions. ये तमाम मज़ाहिब की बुनियाद है. All religions teach it. तमाम मज़ाहिब हमें ये सिखाते हैं. Thus humans should show it in their doings. कि इंसानों को इसे अपने अमाल में शो करना चाहिए. Courtesy could be separate by writing good books. हम courtesy को फैला सकते हैं अच्छी बुक्स लिखकर. इट खुड आल्सो बी सेपरेट बाय प्रीचिंग गुड मैनर्स. अच्छे अखलाक की तबलीग करके, अच्छे अखलाक के लोगों से बात करके. ऑल द पीपल यूज दिस मेथड. तमाम ऑल द प्रॉफिट्स यूज दिस मेथड. तमाम पैगंबर इस मेथड को इस्तेमाल करते थे. दे टॉट courtesy बाय देयर स्पीच एंड डीड्स. वो इन्हें अपने खुतबात और अच्छे कामों के ज़रिए सिखाते थे. देयर मैनर्स वर सो गुड. उनके अखलाक बहुत अच्छे थे. डैट पीपल वर अट्रैक्टेड टू देम. लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे. सो courtesy एंड kindness आर द क्वालिटीज ऑफ prophets. सो अखलाक और kindness, मेहरबानियाँ एक पैगंबरों की क्वालिटीज थी. courtesy कैन टर्न द enemies इनटू फ्रेंड्स. जो खुश इखलाक है, अगर हम अच्छे से बात करते हैं तो हमारे दुश्मनों को हमारा दोस्त बना सकती है. Therefore, courtesy is most prominent trait of a true Muslim. Prominent trait यानि नुमाया खसूसियत है एक सच्चे मुसलमान की. There are many benefits of courtesy. Courtesy के बहुत से फ़ायदे हैं. First, it brings us joy. ये हमें खुशी देती है. Second, courteous people become popular with others. जो courteous people हैं, खुश इखलाक लोग हैं, वो दूसरों के साथ मशहूर हो जाते हैं दूसरे लोगों में. Then third, they can separate their ideas easily. वो अपने ideas को easily convey कर सकते हैं. Therefore, we should promote courtesy. हमें courtesy को promote करना चाहिए. So students, today's आज हमने सीखा courtesy के बारे में. ओके courtesy की बेटा आपने अब इसको अपने लिए भी अप्लाई करना है. और डायरी आपकी ये है courtesy. ऐसे आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हम courtesy को प्रमोट कर सकते हैं. तो बेटा इसके लिए आपने एक एक्टिविटी करनी है. वो क्या करनी है? हैंडशेक व्हेन यू मीट ईच अदर. हैंडशेक करना है जब आपने किसी से भी मिलना है. और अस्सलामुअलैकुम कहना है आपने. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. अपने बड़ों की इज्जत करनी है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है. लव ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों से प्यार करना है, उनके साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है. से थैंक यू. इन केस अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो आपने उसे थैंक यू कहना है. अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपने रिटर्न में वेलकम कहना है. मिस्टेक हो जाती है आपसे तो आपने फौरी कहना आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय एंड टेक केयर.